इस वीडियो में आपको बिलासपुर यूनिवर्सिटी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आज है 8 जुलाई की डेट है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन की डेट है और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बाकी के जैसे दुर्ग यूनिवर्सिटी है, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, वहाँ तो एडमिशन का दौर अभी लगभग समाप्त होने पे अभी लिस्ट लास्ट दूसरा तीसरा लिस्ट जारी है, पहले राउंड का एडमिशन तो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट की बात करें, बाकी यूनिवर्सिटी काफ़ी जल्दी रिजल्ट जारी कर देती है, लेकिन यहाँ रिजल्ट देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं उस सब्जेक्ट में, वैसे सब्जेक्ट के भी रिजल्ट यहाँ पर रुके हुए हैं अभी तक। तो रिजल्ट यहाँ पर जारी हुए मैं आपको बताऊंगा, जिसमें तकरीबन स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो रिजल्ट अभी तक आज जारी हुआ है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली, आगे एडमिशन को लेकर भी इसमें जानकारी आपको दूंगा, डेट्स बताऊंगा कि कब से कब तक और एडमिशन के लिए रिवाइज्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जो आज के डेट में 8 जुलाई के डेट में ये नोटिफिकेशन आया है, तो ये नोटिफिकेशन है कि बीकॉम, देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मुझे पता है बीकॉम फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जो होते हैं काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारे इनकी संख्या होती है। अभी इनका जो रिजल्ट है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से रिजल्ट जारी करती है कि इतने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, इस प्रकार से तो ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी नहीं करती है, सिर्फ बताती है कि रिजल्ट जारी हुआ है। तो बाकी के डिटेल अवेलेबल नहीं है कि कितने पास हुए कितने फेल हुए, तो आप लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर एंटर करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है 8 जुलाई की डेट में। उसके बाद और भी रिजल्ट जो आज जारी हुए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8 जुलाई की डेट में ही एमए प्रीवियस इंग्लिश का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, और रिजल्ट की अगर बात करें तो बीएससी सेकंड ईयर का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर एमए पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस और पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, ये भी रिजल्ट जारी हो चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एमए प्रीवियस हिंदी, एमए प्रीवियस संस्कृत जो मुख्य परीक्षा है उसका भी रिजल्ट जारी हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एडमिशन के नोटिफिकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन पीजी वालों के लिए, पीजी मतलब स्नातकोत्तर के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए माननीय कुलपति महोदय के अनुमति से प्रवेश हेतु जो डेट थी उसको इस प्रकार से दिया गया है कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन 3 जुलाई से चालू हो चुका है और अभी टाइम है 14 जुलाई तक इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन आप लोग कर पाएंगे। और इसका जो मेरिट लिस्ट जारी होगा, अंतिम चरण की मेरिट सूची यहाँ पर 15 जुलाई को जारी होगा और 5 दिनों के अंदर 20 जुलाई तक आपको जो सारे डॉक्यूमेंट सत्यापित करवा के काउंसलिंग में भाग लेकर फीस जमा करके आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है पूरा 20 तारीख तक एडमिशन ले पाएंगे, और उसके बाद भी अगर सीटें खाली रहे, किसी को एडमिशन नहीं मिलता है, तो वेबसाइट पर जाकर पोर्टल को फिर से खोलने के लिए ओपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तभी पोर्टल फिर से खोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और एडमिशन नोटिफिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी के लिए एडमिशन ओपन है। आप एडमिशन के लिए यहाँ पर डॉक्टर हामिद अब्दुल्ला का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, और हैरी जॉर्ज का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको BHMCT, BBA, MBA, TTM इसमें अगर एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।